जैसलमेर पहुंच चुका हूं मैं। अभी रात में होटल में हॉस्टल में रुका था मैं। थोड़ी देर बाद में मेरी बस है तो बाहर जाते हैं, खाना ना खाते हैं। अभी एक हफ्ते पहले मैं जैसलमेर में आया था, उस टाइम मैं जैसलमेर में घूमा था, लेकिन मैं तनोट नहीं गया था, बॉर्डर वाले एरिया में नहीं गया था। तो आज मैं बॉर्डर वाले एरिया में जाने वाला हूँ। रास्ता किधर है? ये रास्ता जाएगा शायद, बहुत पतली गली है। तो मैं अभी हूँ जैसलमेर में। मेरे पीछे ये जैसलमेर का फोर्ट है, इसको गोल्डन फोर्ट बोला जाता है। अभी मैं निकला हूँ जैसलमेर में और यहाँ खाना पीना करने के बाद मुझे यहाँ से बस पकड़नी है। ये फोर्ट है जैसलमेर का और यहाँ आप टूरिस्ट की गाड़ियाँ देखिए, मतलब पार्किंग के लिए भी जगह नहीं बचती इतनी। और यहाँ पर बाइक्स रेंट पर मिलती है। यहाँ एक दो पराठे खा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। मेरे बस का टाइम जो है वो 4 बजे है, तो अभी 2-3 घंटे मेरे पास है, तो मैं फोर्ट में आ गया और उसके बाद बस पकड़ लेंगे। माय नेम रमेश, मेरे दोस्त हैं विक्टर और ये जो जैन टेंपल है इसके अंदर जाना है। तो फॉरेनर्स लोगों को यहाँ पर 250 रुपीज़ देने पड़ते हैं और इंडियन लोग बिल्कुल फ्री है। इवनिंग आई विल गो टू इंडिया पाक बॉर्डर, दैट इज 150 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, सो आई एम वेटिंग फॉर माई बस। इट इज 4 o'clock. What is there? Pakistan border. Army is there? Army, yeah. Army is there. A few moments later. काफी टाइम हो गया मैं यहाँ फोर्ट में घूम रहा हूँ और अभी काफी थक भी चुका हूँ, तो अब चलते हैं वापस। टूरिस्ट तो बहुत आते हैं और टूरिस्ट में भी फॉरेनर लोग बहुत आते हैं और यहाँ के नज़ारे बहुत मस्त हैं और इसलिए काफ़ी दिन हुए नहीं और फिर भी मेरे को वापस आने का मन कर रहा था। यहाँ हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और औरत है एक, फॉरेनर्स को कुछ बेचने की कोशिश कर रही है। हेलो, जैसलमेर घूमने के बाद अब टाइम हो गया है तनोट जाने का। ये रामगढ़ का गांव है और यहाँ पर बस रुकी है 5-10 मिनट के लिए, ये चाय पानी के लिए। ये इंदिरा गांधी नहर है, कम से कम 150 फुट चौड़ी होगी। इंदिरा गांधी नहर जो पंजाब से आती है। वाओ, जैसलमेर में चने की फसल है, देखो बड़ी मतलब सोचने वाली बात है। और ये सब होता है, इतनी शानदार फसल, और ये सब होता है नहर के पानी से। देखिए जैसलमेर में इतनी हरियाली, इतनी अच्छा बाड़मेर के हो और यहाँ पर खेती करते हो। वाओ, इस तरफ क्या मस्त हो रहा है यार। बस देख लो, हमारी बस बस में कितने जने बैठे हैं, 8-10 जने बैठे हैं बस। आपकी तरफ देखते हैं, पेड़ देखो, उधर पेड़ की तनोट है, ये रास्ते जैसे। वाह गजब, क्या गजब नज़ारा है। रेत के टीले पर चढ़ रही है गाड़ी और इसके आगे थोड़ी ढलान है, फिर बहुत शानदार टीले आगे हैं। यहाँ से वापस, बस यहाँ से बस वापस मुड़ जाएगी। इस गांव के लिए बस आती है, इस गांव में 2 सवारी उतरी है और यहाँ से ये बस वापस जाएगी। तीन सवारी आई है जो इस बस में चढ़ेंगे अभी। ये कौन सा गांव है सर? यूतू वाला। अच्छा, छोटा ही गांव है।
चलते हैं वापस। भाई क्या मस्त जगह है। वापस जा रहे हैं उसी हाईवे पर। ये हम आ गए वापस मेन रोड पर। रोड के पास जो टीले हैं उसकी जमीन कट ना जाए, उसके कटाव को रोकने के लिए यहाँ पर रेगिस्तान में चलते हुए को प्यास लग रही है। प्यास तो लगेगी, प्यास तो लगेगी। ये दोनों साइड में दीवार है ताकि ये जो रेत के टीले हैं वो सड़क पर ना आ जाए। ये यहाँ पर गाड़ी रुकी है और ये जगह है मातेश्वरी घंटियाड़ी राय का मंदिर है जो तनोट माता है उसी तरह। तो चलते हैं यहाँ। बस लगभग खाली है, चार पांच लोग हैं। हम पहुंच चुके हैं तनोट। ये सामने तनोट माता जी का मंदिर है। चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। बस से उतरने के बाद हम माता जी के मंदिर आए। ये आर्मी के टैंक्स खड़े हैं यहाँ। युद्ध के दौरान जो 1965 और 1971 के युद्ध में जो गोले फेंके गए तो वो गोले फटे नहीं, उन गोलों को भी यहाँ रखा गया है। कुछ वॉर और आर्मी से रिलेटेड कुछ म्यूजियम वाली चीज़ें रखी हुई है यहाँ पर। और सीन काफ़ी अच्छा है, सनसेट हो रहा है अभी। मंदिर के पीछे यहाँ पर आर्मी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जो एरिया है उस एरिया का मैप बनाया गया है। तो ये है बॉर्डर। चाहिए जो इंडियन फ्लैग है उसको नीचे उतार रहे हैं। शाम के टाइम हो गया, इसको नीचे उतारते हैं। फ्लैग उतार दिया और अब ये आर्मी वाले सब जा रहे हैं। अभी शाम के 7 बज गए, आरती शुरू हो गई है। यार शाम का मौसम बहुत मस्त हो गया है।